नमस्कार, आप देख रहे हैं यूजवाणी। इटावा के डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधीन चल रहे मत्स्य महाविद्यालय के छात्रों ने आज डीएम चौराहे पर अर्धनग्न होकर हाथों में कटोरा लेकर राहगीरों से मांगी भीख, किया प्रदर्शन। देखिए इटावा से संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ एवं फिशरीज साइंस स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन शून्य प्रथम शून्य के बैनर तले चल रहा है चार दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन। छात्रों की समस्याओं पर मूक बधिर बनकर बैठा मत्स्य महाविद्यालय प्रशासन। महाविद्यालय की ओर से अब तक धरना स्थल पर बैठे छात्रों से कोई वार्ता करने भी नहीं आया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगे निम्न प्रकार से है: -1- मत्स्य विभाग में नियुक्ति में मत्स्य निरीक्षक व मत्स्य अधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता भी FSC की जाए। 2- सहायक निदेशक राजपत्रित पद की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाए व उसकी भी न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय BFSC MFSC की जाए। 3- मत्स्य विभाग द्वारा संपन्न कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न केवल मत्स्य विषय से ही पूछे जाए व मत्स्य विभाग में कनिष्ठ प्राविधिक व सहायक मत्स्य वार्डन के पदों पर भर्ती की भी न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय BFSC कोर्स ही हो।